तो सिंपल इंटरेस्ट का एक सवाल है जो कि एग्जाम में लगातार जो है घूम फिर के आ ही जाता है। तो चलिए कैसे बनेगा, सवाल क्या पूछ रहा है उसको पहले पढ़ते हैं। किसी राशि का 10 वर्ष का सिंपल यानी कि SI साधारण ब्याज 5% के वार्षिक दर से 300 रुपया हो जाएगा। सवाल को बहुत ही अच्छे ढंग से पहले पढ़ लिया जाता है ताकि हमें पता चले कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो आपने क्या क्या पढ़ा, 10 वर्ष आपने, यहां देखिए मार्किंग करिए कि 10 वर्ष, यहाँ पे प्रतिशत दर दिया गया है यानी कि आपको टाइम पता चल गया हुआ है कितना है, 10 वर्ष। आपको क्या पता चला कि चलो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो 5% है। आगे बढ़िए सवाल में, 5% के वार्षिक दर से 300 रुपये हो जाएगा, मतलब क्या, ये आपको जो दिया गया है, क्या दिया गया है, ब्याज दिया गया है। ठीक है दोस्तों, क्या दिया गया है, तो केवल आपका ब्याज दिया गया है यानी सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है 300 रुपया। ठीक है, तो आपको निकालना है क्या है, तो आपको पी निकालना है यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, अर्थात मूलधन आपको निकालना है। ठीक है, तो मूलधन का क्या फॉर्मूला है, SI बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू पी और बटा में क्या है, तो 100 हो जाता है। चलिए अब सबका मान हम लोग दे देते हैं, SI कितना है अपने पास, 300 रुपया है ना, पी कितना है तो पता नहीं, इसी को निकालना है ना, और आर के बारे में क्या पता है, तो 5% है, और टाइम क्या है, तो 10 है, अब बटा में 100 है। अब इसको कटा पिटी कर दीजिए, कैसे करेंगे, तो देखिए 0 से 0 कट गया, ठीक है, और 5 × 10 होता है। ठीक है, अब ये है क्या भाग में, और इधर में क्या है, ये भी क्या है आपका ऊपर से ऊपर बराबर में भाग कर दिया जाता है, लेकिन क्या है जब भाग में हो तो बराबर के बाद जाएगा तो गुना में हो जाता है, तो पी बराबर क्या होगा, 300 × 2 यानी कि पी का वैल्यू क्या आ गया, 600। तो ये जो क्वेश्चन है समझाने के लिए इतना टाइम लगा है, नहीं तो ये क्वेश्चन को 20 से 30 सेकेंड बहुत ही ज़्यादा होता है इस टाइप के क्वेश्चन को, लेकिन आपको एक एक करके कैसे क्वेश्चन को बनाया गया है, अगर आप इस एक क्वेश्चन को बढ़िया से समझ जाइएगा तो इस टाइप का जितना भी सवाल होगा सिर्फ वैल्यू चेंज होगा, आप सभी सवाल को बना सकते हैं दोस्तों। चलिए।